मवई गांव में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकार स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सूचना के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्कूल में पढ़ाई सुचारू करवाई। दरअसल गांव के स्कूल में शिक्षक न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। उनका कहना है कि समय पर फीस देने के बावजूद हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि 200 बच्चों पर केवल एक टीचर है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। ग्रामीणों के मुताबिक ये स्कूल पहले प्राइमरी था, जिसको सरकार ने अपडेट कर दिया है। अब सरकारी स्कूल में 600 बच्चे हैं, जबकि मिडिल स्कूल में 200 बच्चे हैं। तो वहीं उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। हमारे स्कूल में 800 बच्चे हैं, 800 बच्चों पे जो 600 बच्चे हैं हमारे प्राइमरी तक हैं, और 6वीं, 7वीं, 8वीं करीब 200 बच्चे हैं। उन 200 बच्चों के लिए सिर्फ ओनली वन टीचर है। बच्चों को बैठा के रखा जाता है, पढ़ाई पे टीचर करा नहीं सकता। बच्चे हर महीने फीस दे रहे हैं, उनका टाइम भी जाया हो रहा है। आगे आने वाले समय में पढ़ाई कैसे कवर करेंगे? यहाँ बच्चों की भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को कोई पढ़ाई का अरेंजमेंट है ही नहीं, जो टीचर नहीं बच्चे कौन पढ़ाएगा। तो इस बेस में गांव वालों ने ब्रोशरों के प्रदर्शन किया। आज हमारी मांग हमने सरकार से रखी, मीडिया भी आई है, मैडम भी आई है, भोपाल से प्रिंसिपल मैडम अटेंड करने आई हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी मांग ये थी कि अध्यापकों का उचित प्रबंध हो, बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, बच्चों के भविष्य खिलवाड़ ना किया जाए। यहाँ पर टीचर नहीं है और सारी अव्यवस्था हो पड़ी है। बच्चे बैठने के लिए जगह भी नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी नहीं है। जो टीचर यहाँ पर थे उनकी सबकी पोस्टिंग हो चुकी है। मेजर कारण ये रहा है कि यहाँ का पोर्टल जो है, यहाँ का 7145 वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो डीएक्टिवेट है। उसकी वजह से कोई टीचर भी यहाँ अप्लाई नहीं कर पाया ट्रांसफर की वजह से, इसलिए टीचर की ट्रांसफर यहाँ नहीं हुई। और वो इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद, डीओ से रिक्वेस्ट करने के बाद, मंत्री जी से रिक्वेस्ट करने के बाद और आईटी सेल को चिट्ठी भेजने के बाद सपूर्ण ने भी इनकी कोशिश करी है, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये मेजर फॉल्ट है। अगर वो एक्टिवेट हो जाता तो टीचर आसपास के यहाँ पर अप्लाई करते और वो आके अभी ज्वाइन कर लेते। सारी मेजर प्रॉब्लम ये है। वहीं स्कूल में हुए हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची शिक्षा विभाग के अधिकारी संदेश कुमारी ने बताया कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते मवई गांव में टीचर अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। जल्द ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करवा दी जाएंगी और यहां पर शिक्षक का इंतजाम कर दिया जाएगा। स्कूल को साल में एक बार स्कूल ग्रांट मिलती है, उसके अंतर्गत जो भी स्कूल में कमियां रहती हैं, जैसे कि फैन है या लाइट का अरेंजमेंट है, वो सभी करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से कंस्ट्रक्शन ग्रांट्स आती हैं, तो सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है कि वो पूरा करें सभी सुविधाओं का। इस वक्त जो टीचर्स का ना पहुंचने का मेन रीजन बताया गया है, वो जो स्कूल कोड है ना खुलने के कारण पोर्टल पे कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पोर्टल मवई उसमें नहीं खुला और टीचर्स अपनी वो नहीं व्यक्त कर पाए, उन्होंने मवई स्कूल को नहीं भर पाए। इस कारण से मिडिल स्कूल में, मिडिल विंग में कोई भी टीचर नहीं पहुंच पाए। तो आज हमारी 2 बजे जिला शिक्षा अधिकारी मैडम के साथ मीटिंग है और उसमें हम सभी से, सभी पूरे मेरे से 15 स्कूलों की डिटेल मांगी गई है और हम ये बात वहाँ रखेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जाएगा। कल उनकी वीसी हुई है अधिकारियों की, तो उसमें उन्होंने डिटेल सभी मांगा है और आज मैं आप लोगों से, ग्रामीणों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो रिटर्न रिक्वेस्ट भी मुझे दें ताकि मैं फिजिकली उसको प्रेजेंट कर सकूं 2 बजे। फिलहाल स्कूल में टीचरों की तैनाती के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। अब देखना होगा कि स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक हो पाती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।